सर देखो देखो भैया पीछे बोर्ड लगा पड़ा था कि कोई भीख नहीं अधिकार है हमारा, पुरानी पेंशन को बहाल कर दो साहब, पुरानी पेंशन को बहाल कर दो। प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं बाराबंकी के कर्मचारी और के साहब हो सके तो प्लीज प्लीज बहाल कर दीजिए। तमाम बकदा शिक्षक हो, डॉक्टर हो, कर्मचारी हो, बाबू हो, सफाई कर्मी हो, सबके सब बस यही मांग करते हैं कि साहब देखो ऐसा है पुरानी सरकारी पेंशन योजना को बहाल कर दीजिए। इनके खातिर देखा दे पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा बढ़िया देखो बाराबंकी में यात्रा निकाला जाती है और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का ज्ञापन भेजा जाती है। तनिक सुनो भैया कहाँ कहा था कर्मचारी हो। क्या नाम है आपका? राजू धानुक नाम है। आज आप सभी लोग धरना प्रदर्शन कर ले कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी बात कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, पुनर्निवेदन कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भी आपकी संतान है, हम भी भारत के नागरिक है। जैसे आप पुरानी पेंशन का कई कई लाभ लेते हैं पुरानी पेंशन का, वैसे हम तो 10 नहीं मांग रहे, एक ही मांग रहे हैं अपनी पूरी सेवा काल का। तो इसमें कौन कौन से विभाग हैं जो पुरानी? इसमें शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, बाबू हैं, सफाई कर्मी हैं, सारे सारे लोग इसका जो विरोध कर रहे हैं कि हमको एनपीएस नई पेंशन नहीं चाहिए, हमको यूपीएस पेंशन नहीं चाहिए, हमको पुरानी पेंशन चाहिए, ओपीएस पुरानी पेंशन। जो माननीय सांसद, माननीय विधायक जी, 2004 के पहले जो पुरानी पेंशन मिलती थी हमको वही व्यवस्था चाहिए, हमको पेंशन में खिलवाड़ नहीं चाहिए। आजकल का क्या है कि जो यूपीएस या एनपीएस पेंशन योजना है हमारा 50 लाख मान लीजिए जमा है तो सारा जीएसटी है और सेल टैक्स ये सब टैक्स में कट के हमारी पेंशन बन रही है 5000 में, और फिर आगे हमारी पेंशन बढ़ने का रास्ता भी नहीं है कोई, तो 5000 में कैसे घर चलेगा बताइए? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो आज 30000 10000 की कोई वैल्यू नहीं है, आने वाले 25 साल बाद 30 साल बाद 5000 की क्या वैल्यू होगी? तब यू भाई साहब तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे, क्या बात है भैया? देखा तो बस अपना हक मांग रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कम से कम बकायदा प्रधानमंत्री जी देखेंगे और सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। वाकिम साहब 5000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है साहब। देखो हो सके तो पेंशन योजना का बहाल कर दो। वाकिम भैया देखो 5000 में कैसे बुढ़ापा कटेगा? और आने वाले समय में तो हमका लागत है और महंगाई बड़ी है, आपका क्या लागत है कमेंट करो भैया। सरकारी कर्मचारी बस यही मांग कर रहा है कि साहब जैसे बकायदा पहले पेंशन मिलता रहे वही योजना का पुनः से भर्ती कर दिया जाए, बहाल कर दिया जाए। क्या आपकी कार है? कमेंट करो। दूसरा खबर देख लो भैया। अब देखो भैया बारूद वाले पटाखा है कहा भैया? कौन वाले पटाखा है? पटाखा बहुत रखते हो, गोल गोल पटाखा है, लंबे लंबे पटाखा है, कम से कम 10 क्विंटल आतिशबाजी सब बरामद की गई है। आपका बता दी कि देखो भैया मामला बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र के ढेहुआ गांव का बतावा जाती है, जहां पर देखा तो सफदरगंज थाने की पुलिस भैया घर में अचानक से छापा मारती है तो देखो भैया भड़बड़ा करके पटाखा देखे खातिर मिलती है। बतावा जाता है कि देखो भैया ऐसा बिना लाइसेंस के घर में 10 क्विंटल तक आतिशबाजी बरामद की गई है। बाकी तनिक सुनो भैया मामले की जानकारी बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश नारायण जी दियत रहे। जयपुर थाना अंतर्गत वीरेंद्र वर्मा नामक एक व्यक्ति के द्वारा आतिशबाजी का लगभग 10 क्विंटल सामग्री आबादी के बीच में अपने मकान में अनधिकृत तरीके से बिना लाइसेंस के स्टॉक करके रखा हुआ था। प्राप्त सूचना के आधार पर यहां पर छापेमारी की गई तो सामग्री बरामद हुई है। इसके संदर्भ में अभियुक्त वीरेंद्र वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, सामग्री को जब्त कर ली गई है, इसके संदर्भ में आवश्यक विधि कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। साहब की बात सुनिए आपने भैया, बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखो ऐसा है बिना बकायदा भैया लाइसेंस के पटाखा रखे पहले तरीके सावधान है जो ना कार्रवाई की जाएगी। बाकी आपकी कार रेकमेंड कीजिएगा। दूसरा खबर देख लो भैया। तब हमका लगा था यही बंधर तूड़ी सब यही बंधर आऊ का भैया देखो तो अच्छे भले बोर्ड का तूट डाली से कहा बताई। सफदरगंज थाने में आपका स्वागत है। यहाँ पर भैया देखो भैया बोर्ड की स्थिति बहुत जर्जर है, सफदरगंज थाना लिखा पड़ा रहा है लेकिन भैया देखो कहूँ खोपड़ी में ना गिर जाए, दुर्घटना हो सकती है। हम तो बकता थाना अध्यक्ष से कहना चाहेंगे कि साहब हो सके तो यहाँ पर एक छोटी नवा बोर्ड लगा दो और कहा बताई। बंधर रोड देखा तो उचक उचक के टूट डाली है। अब यहाँ पर भैया जो भी बोर्ड लगाओ लोहे का लगाओ, देखा तो ये वाला बोर्ड चलते नहीं, टूटे जा रही है बंधर रोड। बाकी आपकी कार रकम कीजिएगा। दूसरा खबर देख लो भैया। तो मासूम छात्र की मौत है, ये बहुत दुखद खबर है। यह मामला बाराबंकी के बदोसराय थाना क्षेत्र के बकायदा कोटवा धाम चौराहे के पास का बताया जा रहा है, जहाँ पर देखा तो नर्सरी क्लास में पढ़े वाला छात्र जो है पढ़े खातिर स्कूल का जात रहा था, तेज रफ्तार आवती है पिकअप वाला, चढ़ा देती है, रौन देती है, होकर आवती मासूम बच्चे की जान ले लेती है। अब बकायदा पुलिस कार्रवाई कर रही है, बदोसराय थाना क्षेत्र का मामला रहा है। हम गलत तरीके आपका बता दें, उम्मीद करेंगे कि बदोसराय के कोतवाल साहब संतोष जी दैनिक कठोर कार्रवाई करेंगे। बाकी आपकी कार रेकमेंड कीजिएगा। दूसरा खबर देख लो भैया। तब साप्ताहिक सट्टी बाजार का लेकर के ज्ञापन दिया खाते नवागत तहसील में देखा था भैया, पूर्व बकायदा महामंत्री रह चुके क्रांतिकारी अधिवक्ता रितेश मिश्रा जी पहुंच जाती हैं। इस दरमियान देखा था भैया नवाबगंज तहसील के तहसीलदार सरद सिंह जी का ज्ञापन देती हैं, जिला अधिकारी से संबोधित और बकायदा आश्वासन देती हैं। सरद जी हम कल अंतरिक आपका बता दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शाम को बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।